Namasreyati Rajaya. बारह जनवरी सन 1837 जिस समय सारा भारतवर्ष अज्ञान के अंधकार में अपना अस्तित्व खो रहा था तब कोलकाता के शिमला मोहल्ले के प्रसिद्ध दत्त परिवार में एक ऐसे ऊजस्वी बालक का जन्म हुआ जिसने आगे चलकर अपने ऊजस और तेज से न केवल भारत को अपितु समस्त संसार को प्रकाशित किया। ये महान बालक आगे चलकर विश्व भर में स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रख्यात हुए, एक युग का सूत्रपात किया। विदेशों के प्रति आर्थिक निर्भरता, सामाजिक असुरक्षा, राजनीतिक दबाव, इस सब के बीच बढ़ता अंधविश्वास और टूटता हुआ हमारा आत्मविश्वास, ये एक ऐसा समय था जब भारत पराधीनता की बेड़ियों में दम तोड़ रहा था कि तभी इस महान आत्मा ने मानो उस मृत्यु शैया पर पड़े भारत में एक नई चेतना और ज्ञान के प्राण फूंक दिए। आइए हम सभी नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद की इस अद्भुत यात्रा में सम्मिलित हो ये जाने कि कैसे संसार की नजरों से दूर कोलकाता के एक छोटे से मोहल्ले में जन्मे एक बालक ने विश्व भर में भारत के गौरव का डंका बजाया। माता भुवनेश्वरी देवी ने वाराणसी में रहने वाली अपनी रिश्ते की एक महिला से वहाँ के वीरेश्वर शिव के मंदिर में विशेष पूजा चढ़ाकर उनके लिए पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद मांगने का अनुरोध किया था। तत्पश्चात एक रात उन्होंने स्वप्न में महादेव जी को ध्यान करते देखा तथा महादेव ने उनके पुत्र के रूप में जन्म लेने का उन्हें वचन दिया। एक दिन जब श्री रामकृष्ण समाधि मग्न हुए तो उनका मन ऊपर ही ऊपर उठता चला गया। नाम रूपात्मक ब्रह्मांड की शून्य पार अंततः अखंड के राज्य में पहुंचा। श्री रामकृष्ण ने देखा कि वहां सात दिव्य ऋषि बैठे गहन ध्यान में डूबे हुए। उन्होंने देखा कि उस समरस अखंड का एक अंश मानो घनीभूत होकर एक देव शिशु के रूप में परिणत हो गया। शिशु ने ऋषि के गले में बाहें डालकर कहा, मैं धरती पर जा रहा हूँ, तुम भी आओगे ना? वो ऋषि और कोई नहीं बल्कि स्वयं नरेंद्र तथा देव शिशु श्री रामकृष्ण परमहंस थे। बचपन में नरेंद्र अपने एक मित्र के साथ शिव जी की मूर्ति के समक्ष बैठकर ध्यान किया करते थे। एक दिन नरेंद्र अपने मित्रों के साथ ध्यान के खेल में मग्न थे कि तभी अचानक वहाँ कहीं से एक सांप आ गया। नरेंद्र ध्यान में पूरी तरह से डूब चुके थे और सर्प उन्हें बिना क्षति पहुँचाए चुपचाप वहाँ से चला गया। जब भी कोई साधु उनके द्वार पर आता तो नरेंद्र प्रसन्न हो जाते और घर में जो भी हाथ लगता बुलाकर साधु को दे देते। बचपन में कहा करते थे, ज्योतिषी ने कहा है
कि मैं एक सन्यासी बनूं। 1879 ईस्वी में नरेंद्रनाथ ने कोलकाता के रेजिडेंसी कॉलेज में प्रवेश लिया, परंतु दूसरे वर्ष में मलेरिया का रोग हो जाने के कारण उनकी उपस्थिति कॉलेज में कम हो गई और उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं मिली। इसी कारण उन्होंने स्कॉटिश चर्च कॉलेज में दाखिला लिया। स्कॉटिश चर्च कॉलेज के प्रिंसिपल विलियम हेस्टी से ही पहली बार रामकृष्ण के विषय में सुना था। प्रिंसिपल हेस्टी जब कक्षा में वर्ड्सवर्थ की एक कविता द एक्सकर्शन पढ़ा रहे थे तो उन्हें कवि की भावावस्था को समझाने में कठिनाई मालूम पड़ी। तब उन्होंने विद्यार्थियों से कहा, यदि आप ऐसी अनुभूति का प्रत्यक्ष प्रमाण चाहते हैं तो दक्षिणेश्वर जाकर राम कृष्ण को देख सकते हैं, जिन्हें मैंने स्वयं उस अनुपम भावावस्था का आनंद लेते देखा है। नरेंद्र और श्री रामकृष्ण की ऐतिहासिक भेंट। अपने भीतर की ज्ञान पिपाशा से व्याकुल हो नरेंद्र आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में भटकते हुए साधारण ब्रह्म समाज पहुँचे। इस समय देवेंद्रनाथ ठाकुर तथा केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज के प्रमुख नेताओं में से थे। नरेंद्र देवेंद्रनाथ ठाकुर के पास गए और इससे पहले कि वो कुछ कह पाते उन्होंने प्रश्न किया, महाशय क्या आपने ईश्वर के दर्शन किए? देवेंद्रनाथ संकोच में पड़ गए और बोले, बेटा तुम्हारी आंखें योगी के समान हैं, तुम ध्यान का अभ्यास करो। नरेंद्र के एक संबंधी रामचंद्र दत्त श्री रामकृष्ण के गृह शिष्यों में अन्यतम थे। उन्होंने नरेंद्र से कहा, यदि तुम सचमुच आध्यात्मिक उपलब्धि के इच्छुक हो तो दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण के पास जाओ। श्री रामकृष्ण के साथ नरेंद्र का प्रथम मिलन 1881 के नवंबर मास में भक्त सुरेंद्रनाथ के मकान पर पहले हो चुका था। वहाँ पर नरेंद्र को भजन गाने के लिए बुलाया गया था। श्री राम कृष्ण नरेंद्र की संगीत प्रतिभा को देखकर भाव विभोर हो गए। आ गया वो ऐतिहासिक दिन जब मिलन हुआ उन दो महान आत्माओं का, जो आने वाले समय में एक नए इतिहास के रचयिता बनने वाले थे। नरेंद्र ने पहले के समान अपने हृदय की पूर्ण भावुकता के साथ कुछ भजन गाए। भजन समाप्त होते ही श्री राम कृष्ण ने सहसा नरेंद्र का हाथ पकड़ लिया, उन्हें उत्तरी बरामदे में ले गए। उनकी आंखों से अश्रु धारा बहने लगी। श्री राम कृष्ण कहने लगे, आह तो इतने दिनों बाद आया, बड़ा निर्मम है, इसीलिए तो इतनी प्रतीक्षा कर पाई। विषय लोगों की व्यर्थ बकवास सुनते सुनते मेरे कान छुलस गए। अपने दिल की बात किसी को कहने के लिए ओम नमः शिवाय, नमो देव्य महादेव्य शिवाय। देवालय में प्रवेश कर मूर्ति की ओर दृष्टिपात करने पर नरेंद्र को लगा कि वहाँ पाषाण प्रतिमा नहीं, अपितु साक्षात जगदम्बा ही विराजमान है। वे प्रार्थना करने लगी, हे माँ मुझे वैराग्य दो, ज्ञान दो, भक्ति दो, कल्याण प्रणदाम वृद्धय सिद्ध्य कुर्मो नमो नमः। एक दिन श्री राम कृष्ण कहने लगे, मैंने देखा कि केशव जिस प्रकार की एक शक्ति से जग विख्यात हुआ है, नरेंद्र में वैसी 18 शक्तियां विद्यमान हैं। फिर देखा कि केशव और विजय में ज्ञान ज्योति दीप शिखा के समान जल रही है, पर नरेंद्र में देखा कि वो तो सूर्य के समान ज्वल्यमान है। श्री रामकृष्ण द्वारा नरेंद्र का प्रशिक्षण एवं रामकृष्ण संघ का अंकुरण। जैसे जैसे दिन बीतते गए श्री रामकृष्ण के प्रति नरेंद्र की श्रद्धा भी सहस्र गुणा होती गई।
और अब वो श्री राम कृष्ण को आध्यात्मिकता के उच्चतम आदर्श के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हो गए। श्री राम कृष्ण को चिकित्सा के लिए कुछ दिन श्याम कुकुर के एक मकान में रखा गया और बाद में काशीपुर के उद्यान भवन में उनके रहने की व्यवस्था की गई। श्री राम कृष्ण ने नरेंद्र को अपने शिष्यों का नेता बनने का कार्यभार यहीं सौंपा। एक दिन उन्होंने नरेंद्र से कहा, मैं इन सभी को तुम्हारी देखरेख में छोड़ता हूँ, इनसे स्नेह भाव बनाए रखना और देखना कि मेरे चले जाने के बाद ये लोग घर ना लौटकर एक साथ रहकर साधन भजन में कालयापन करें। एक दिन श्री राम कृष्ण ने अपने कई युवा शिष्यों को संन्यास व्रत में दीक्षित किया और इसी प्रकार उन्होंने अपने हाथों भावी रामकृष्ण संघ की बुनियाद रखी। 16 अगस्त सन 1886 को श्री रामकृष्ण अपने शिष्यों को घोर शोक में डुबाकर महासमाधि में लीन हो गए। अब उनके उपदेश तथा प्रसंग की स्मृतियां ही इन शिष्यों के लिए प्रेरणा का संबल थी। वरानगर में त्याग व प्रतीक्षा का ज्वलंत उदाहरण। श्री राम कृष्ण के चले जाने के पश्चात अब इन सभी सन्यासियों को एक ऐसे स्थान की आवश्यकता थी जहां ये सब मिलकर रह सके। कोलकाता तथा दक्षिणेश्वर के बीच बसे वराहनगर अंचल में एक किराए का मकान लिया गया और यही स्थान वराहनगर मठ के नाम से श्री राम कृष्ण संघ का प्रथम केंद्र बना। वराहनगर के कठोर साधनमय जीवन से कुछ दिनों का अवकाश लेकर वो सभी आठपुर पहुँचे। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर वो लोग धूनी चलाकर ध्यान में बैठे थे कि सहसा नरेंद्र ने अपने नेत्र खोले और प्रेरित भाव से अपने गुरु भाइयों के समक्ष ईसा मसीह की जीवनी का वर्णन करने लगे। एक नवीन उत्साह से प्रेरित हुए ईश्वर तथा पवित्र अग्नि को साक्षी मानते हुए गुरु भाइयों ने संन्यास व्रत लिया। कुछ समय बाद गिरजा होम का अनुष्ठान कर निर्धनता और पवित्रता का संकल्प लिया। उन लोगों ने जगत से पूर्णतः संबंध विच्छेद कर नवीन नाम ग्रहण किए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर। स्वामी विवेकानंद की भारत परिक्रमा। नरेंद्र अब एकांतवास के द्वारा अपना आंतरिक बल देखना चाहते थे। सन 1890 में वो हाथ में केवल दंड कमंडल लिए नाम धाम सब त्याग कर वराहनगर से बाहर निकले और भारत भूमि के विस्तार में खो गए। इस उपमहाद्वीप की धूल ने भी उन्हें पूर्ण रूप से आत्मसात कर लिया। अपने इस भ्रमण में वो सर्वप्रथम पहुँचे वाराणसी। वाराणसी में एक दिन कुछ बंदर उनके पीछे लग गए। वो तेजी से भागने लगे कि उसी समय एक सन्यासी ने चिल्ला कर कहा, ठहरो, डट कर सामना करो। वो रुक गए और मुड़कर निर्भयता पूर्वक उन्होंने बंदरों को देखा। सभी बंदर वहाँ से भाग गए। विपत्तियों से पलायन न कर साहस पूर्वक उनका सामना करने का संदेश स्वामी जी को उसी घटना से प्राप्त हुआ जिसे वो अक्सर अपने व्याख्यानों में दोहराया करते थे। उन्होंने कहा था, मैं जा रहा हूँ और जब तक मैं समाज पर एक बम की तरह नहीं टूट पड़ता तथा उसे कुत्ते की तरह अपना अनुसरण करने में नहीं लगा सकता तब तक मैं लौटने वाला नहीं। वाराणसी से अयोध्या लखनऊ आगरा वृंदावन एवं हाथरस होकर वो हिमालय की ओर अग्रसर हुए। Oh,
का उनके लिए एक बड़ा ही शैक्षणिक महत्व रहा, क्योंकि उन्हें मौलिक चिंतन और निरीक्षण के अवसर प्राप्त हुए। उनके समस्त अनुभवों में सबसे उल्लेखनीय बात थी भारतीय आदर्शों में एकत्व की उनकी अथक खोज। उन्होंने अंत में ये अनुभव किया कि इन सब परंपराओं और रीति रिवाजों की बहुलता के अंतराल में आध्यात्मिक दर्शन की अविच्छिन्न एकता हो। भारत आज भले ही पतित और भ्रष्ट हो गया है, पर उसमें ऐसी शक्ति विद्यमान है जिससे वो फिर से अपनी पूर्व गरिमा को प्राप्त कर सकता है। देखिए स्वामी जी के व्यक्तित्व से देश के हर नागरिक सभी प्रभावित है, और ये राजा भी, चाहे ये क्षेत्री के राजा हो, चाहे अल्मोड़ा के राजा हो, हमारे देश में विभिन्न राज्यों के सभी राजा स्वामी जी से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि वो स्वामी जी का जो लक्ष्य है, जो उन्होंने चुना है देश को उन्नत करने का, देश के निम्न वर्गों को उन्नत करने का, उसमें वो अपना भी योगदान देता है। इसी कारण इन सभी राजाओं ने मिलकर स्वामी जी की हर तरह से मदद की। दिसंबर सन 1892 को स्वामी जी कन्याकुमारी पहुंचे, जहां उनका घटना बहुल तीर्थ भ्रमण समाप्त हुआ। कन्याकुमारी में समुद्र तट पर स्थित मंदिर में देवी के सम्मुख प्रणिपात कर स्वामी जी प्रफुल्लित हुए। मां की पूजा अर्चना के पश्चात उन्होंने करीब 2 फरलांग तक शार्क मछलियों से भरे समुद्र को तैर कर पार किया, तथा दूरस्थ उन 2 चट्टानों पर जा पहुंचे जो भारत के दक्षिणी भाग का अंतिम छोर है। 3 दिनों तक वो वहां सुदीर्घ तथा गंभीर समाधि में बैठे रहे। झोपड़ी के महाराजा स्वामी जी से दीक्षा प्राप्त कर उनका शिष्यतम ग्रहण कर चुके थे। स्वामी जी की अमेरिका यात्रा की तैयारियां करीब करीब पूरी हो चुकी थी। खेतड़ी के ही राज दरबार में स्वामी जी ने स्थायी रूप से विवेकानंद नाम धारण किया। महाराजा ने जयपुर तक जाकर स्वामी जी को बंबई के लिए विदाई दी। स्वामी जी बंबई पहुंचे, महाराजा ने उनके लिए गेरुए रंग के रेशमी परिधान, पगड़ी तथा राह खर्च के लिए यथेष्ट धनराशि के साथ साथ पेनिनसुलर एंड ओरियंट कंपनी के SS पेनिनसुलर नामक जलयान का एक प्रथम श्रेणी का टिकट भी खरीदवा लिया था। 31 मई सन 1893 भारत के लिए एक अविस्मरणीय दिन था, जब स्वामी जी मुंबई से अमेरिका के लिए रवाना हुए। स्वामी जी पश्चिमी देशों वहाँ उन्हें एक ऐसा मंच मिला जब वो एक साथ पूरे विश्व को एड्रेस कर पाए, पूरे विश्व से बातचीत कर पाए। उन्होंने पूरे विश्व में भारत की स्टोरी, भारत का वेदांत स्टोरी को पहुँचाया। शिकागो पहुँचने के पश्चात स्वामी जी को पता चला कि धर्म महासभा सितंबर के प्रथम सप्ताह से पूर्व आरंभ नहीं होगी, और बिना समुचित परिचय पत्र के कोई भी व्यक्ति बतौर प्रतिनिधि स्वीकार नहीं किया जाएगा। तब स्वामी जी को ये परिचय पत्र प्राप्त करने में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के यूनानी विभाग के प्रोफेसर G.H. राइट ने सहायता की। प्रोफेसर राइट का कहना था, स्वामी जी आपसे परिचय पत्र मांगना मानो सूरज से ये पूछना है कि उसे चमकने का क्या अधिकार है। उन्होंने प्रतिनिधि चयन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बरोस को तत्काल पत्र लिखा और कहा, ये इतने महान पंडित हैं कि हमारे सभी प्राध्यापकों को एकत्र कर देने पर भी वो इनकी बराबरी नहीं कर सकेंगे। सोमवार 11 सितंबर सन 1893 वो दिन आ गया जब उदय हुआ पश्चिम में पूर्व का सूर्य, जिसने अपने दिव्य प्रकाश से पूरे विश्व को प्रकाशित किया। सभा की कार्यवाही प्रातः 10 बजे शुरू हुई। आर्ट पैलेस का वृहद हॉल तथा गैलरी चुनिंदा 7,000 अमेरिकी नागरिकों से खचाखच भरा था। उन सभी के बीच स्वामी जी अपनी भव्य वेशभूषा, गेरुआ पगड़ी तथा अपने मुखमंडल की आभा से सभी का ध्यान
अपनी ओर आकृष्ट कर रहे थे। कई बार अपनी बारी को स्थगित करने के पश्चात अंततः स्वामी जी अपना व्याख्यान देने के लिए उठे। देवी सरस्वती का ध्यान करके उन्होंने जैसे ही अमरीकावासी बहनों और भाइयों ये कहकर धर्म सभा को संबोधित किया, पूरा हॉल तालियों की कर्णभेदी ध्वनि से गूंज उठा। सारी धर्म सभा स्वामी जी की प्रशंसा करने के लिए पागल हो गए। निश्चय वो ऐसे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने धर्म सभा की औपचारिकता त्याग कर श्रोताओं के बीच एक ऐसी भाषा में बोलना शुरू किया जिसकी वो प्रतीक्षा कर रहे थे। द न्यूयॉर्क हेरल्ड ने उनके संबंध में लिखा, वो निसंदेह धर्म सभा के सबसे महान व्यक्ति हैं। उनके व्याख्यान सुनने के बाद से हमारी समझ में आ गया है कि उस सुशिक्षित राष्ट्र में मिशनरी भेजना कितनी मूर्खतापूर्ण बात है। धर्म योद्धा का भारत में हार्दिक अभिनंदन। इस महान धर्म योद्धा का यथोचित स्वागत करने हेतु जगह जगह अभिवादन समितियों का गठन किया गया। बंगाल तो अपने इस प्रिय और विशिष्ट पुत्र को योग्य सम्मान देने के लिए कब से उत्सुक था। स्वामी जी के कोलकाता पहुँचते ही सैकड़ों लोगों की भीड़ अपनी व्यक्तिगत श्रद्धा अर्पित करने के लिए उमड़ पड़ी। विभिन्न समाचार पत्रों में स्वामी जी की पश्चिम की यात्रा का विशेष रूप से वर्णन किया गया। वीर सेनापति, वीर सेनापति विवेकानंद आज पुकारे हैं आओ रे। विवेकानंद ने अपने भारतीय तथा विदेशी शिष्यों के साथ उत्तरी तथा पश्चिमी भारत का भ्रमण किया। मई 1897 से उस वर्ष के अंत तक स्वामी जी ने अपने शिष्यों के साथ उत्तर भारत का व्यापक दौरा किया। इस यात्रा में अल्मोड़ा, अम्बाला, अमृतसर, धर्मशाला और मरी में उन्होंने कई दिन बिताए। तत्पश्चात दार्जिलिंग से अमरनाथ तक की यात्रा करके अगस्त के महीने में स्वामी जी अपनी शिष्य मंडली के साथ श्रीनगर पहुँचे और वहाँ 30 दिन तक ठहरे। कश्मीर में एक दिन स्वामी जी को बड़ी स्पष्ट अनुभूति हुई। उन्हें जीवन के पर्दे से झांकने वाली महासंहार करनी भयंकरा काली के दर्शन हुए। स्वामी जी के शिष्य कुमारी मार्गरेट एल्वा नोबेल लंदन में स्वामी जी की सर्वोच्च उपलब्धि थी। बाद में स्वामी जी की शिष्या होकर उन्होंने भारत में नारी शिक्षा के निमित्त अपना जीवन समर्पित कर दिया था। दीक्षा के पश्चात उन्होंने भगिनी निवेदिता का नाम धारण किया। स्वामी जी के अपने शिष्य जो रामकृष्ण संघ के दूसरे पीढ़ी के थे, संघ की सेवा में अपना योगदान दिया। स्वामी जी के जीवन काल में उनके आदर्शों का साकार। 13 नवंबर 1897 को काली पूजा के दिन कोलकाता में निवेदिता बालिका विद्यालय की स्थापना की गई। उद्घाटन समारोह के अंत में माँ शारदा देवी ने प्रार्थना की कि इस विद्यालय पर सदा सर्वदा जगदम्बा की कृपा बनी रहे और इसमें शिक्षा पाकर बालिकाएं आदर्श जीवन बिता सके। अपने विचारों को कार्यान्वित होता देख 1 जुलाई 1897 को स्वामी जी ने मैरी हेल को एक पत्र में लिखा, कम से कम ये जानकर कि भारत में मानव जाति के कल्याण का एक ऐसा यंत्र स्थापित हो गया है जिसका कोई शक्ति नाश नहीं कर सकती, मैं सो जाऊंगा और आगे क्या होने वाला है इसकी परवाह नहीं करूंगा। मेरी अभिलाषा है कि मैं बार बार जन्म लेकर हजारों दुख भोगता रहूं ताकि मैं सभी आत्माओं के समष्टि रूप उस एकमात्र ईश्वर की पूजा कर सकूं। स्वामी जी 9 दिसंबर 1898 के दिन स्वामी जी ने मठ के मंदिर में श्री रामकृष्ण के पद की प्रतिष्ठा कर आनुष्ठानिक रूप से रामकृष्ण मठ बेलूर की स्थापना की। स्वामी जी स्वयं श्री रामकृष्ण की भस्मास्थी की ताम्र मंजूषा को अपने कंधों पर रखकर बेलूर लाए। मार्ग में उन्होंने
अपने एक शिष्य से कहा, एक बार ठाकुर ने मुझसे कहा था कि तू मुझे कंधे पर चढ़ाकर कहीं भी ले जाएगा, चाहे वृक्ष के नीचे अथवा कुटिया में, मैं वहीं जाकर रहूंगा। उसी कृपावाणी को सत्य मानकर मैं उन्हें अपने भावी मठ में ले जा रहा हूं। स्वामी जी कहा करते थे, कितनी ही बार व्यक्ति अपने शिष्यों के साथ सदैव रहकर उनकी प्रगति को रोक देता है। जब कार्यकर्ता प्रशिक्षित हो जाए तो यह आवश्यक है कि नेता उनको छोड़ दे, क्योंकि बिना उसकी अनुपस्थिति के वो अपना विकास नहीं कर पाते। इसी तरह शुक्रवार 4 जुलाई सन 1902 के दिन कार्य के तथा अन्य सभी प्रकार के बंधनों को तोड़कर स्वामी जी निर्विकल्प समाधि में लीन हो गए। थका हुआ शिशु मां की गोद में सो गया। स्वामी जी ने एक समन्वित भारत का सपना देखा था, जिसमें सभी धर्म जाति और वर्ग के लोग एक साथ देश की उन्नति के लिए कार्य करें। स्वामी जी के प्रेरणादायी वचन आज भी शत शत आंदोलनों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उस उत्थान के कार्य हेतु अनुप्राणित कर रहे हैं, जिसका सपना स्वामी जी ने देखा था। स्वामी जी ने कहा था, हो सकता है कि अपने शरीर से बाहर जाना और उसे फटे कपड़े की तरह त्याग देना मेरे लिए श्रेयस्कर हो, पर मैं कार्य करना बंद न करूंगा। मैं सर्वत्र लोगों को प्रेरणा देता रहूंगा, जब तक कि संसार ये न जान जाए कि वो ईश्वर से अभिन्न है।